मैं जो करता हूँ स्पेसिफिक बैंक निफ्टी ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटेजी करता हूँ। सो ये बहुत ही सिंपल रूल बेस्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। पिछले 15 मंथ से मैं ये स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ और वो एवरी वीक एंड एवरी मंथ में ये पॉजिटिव रिजल्ट उसने दिया है। और ये बहुत ही सिंपल, प्रॉफिटेबल एंड पीसफुल है। पीसफुल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी लेके अगर आपका माइंड जो है वो पीसफुल नहीं रहेगा तो उसका जो आउटकम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये मेरा म्यूजिक मंत्र रहता है कि लिटल बाय लिटल अ लिटल बिकम्स अ लॉट, मीन्स जो हम हिंदी में जो बोलते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हो तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जो ट्रेडिंग प्लान जो है वो आपका पर्सनल स्टाइल, साइकोलॉजी एंड गोल के अनुकूल होना चाहिए। उसमें स्पेसिफिक एंट्री, एग्जिट पॉइंट एंड लॉस प्राइस होना चाहिए। सो ये जो वॉरेन बफेट जी का जो है कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, ये बहुत ही आपको इसको समझना जरूरी रहता है। सेकंड, वान थाइप जो है वो साइकोलॉजी पे बहुत ही ध्यान देते हैं। उनका कहना है कि यू डू नॉट ट्रेड द मार्केट, इंस्टेड यू ट्रेड द बिलीफ अबाउट द मार्केट। अभी आप 10 लोगों के आप पूछेंगे कि अभी क्या लगता है मार्केट का क्या होगा, कोई बोलेगा कि नहीं मार्केट तो अभी तो थोड़ा डबल टॉप बना के नीचे आ गया है तो नीचे ही जाने वाला है। दूसरा बोलेगा नहीं, अभी तो बुल रन की शुरुआत ही हुई है। तीसरा बोलेगा कि कंसोलिडेशन। तो हर एक की जो बिलीफ होती है उनके अराउंड वो बोलते हैं। सो ये आपको बहुत ही समझना जरूरी है कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो वो आपकी बिलीफ के अनुसार है। तो बिलीफ को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो जब भी आप ट्रेडिंग अपना प्लान बनाते हो तो आपको बिलीफ सिस्टम जो है उसमें इन्वॉल्व करना है। आपका नेचर क्या रहता है उस पर और आपका प्रोफेशन पे। सपोज मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो कम से कम टाइम में हम कैसे उसमें इन्वॉल्व हो सके वो देखना जरूरी है। दूसरा कि आपको सिस्टम पे पूरा फेथ होना चाहिए, आप उसको अंडरस्टैंड भी करना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप ये सिस्टम को फॉलो करते हैं तब आपको कोई भी टाइप की एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फियर, होप कैसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर ये कुछ भी होता है तो ये साइकोलॉजिकल इंडिकेटर है कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। भगवान ने हमारा बॉडी ऐसा बनाया है कि कुछ भी होता है तो वो तुरंत सिम्टोम्स दे देता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये आपका सिम्टोम्स है कि आपकी जो प्लान है, पोजिशन साइज है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ओके, और जो भी स्ट्रेटेजी रहती है वो इजिली एग्जीक्यूट हो ऐसी होनी चाहिए। सो जनरली मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता हूँ और उसमें बाइंग जो है वो कभी, मेरी बिलीफ ये है कि बाइंग में पैसा नहीं बनते हैं। बाइंग अगर मैं करता हूँ तो हेजिंग के अनुसार ही रहता हूँ। ये आप सुनिए, ये मेरी बिलीफ है। अगर आप पैसा जो है वो बाइंग करके भी कमा रहे हो दैट मीन्स यू आर वेरी एक्सपर्ट। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ मैं अपनी बिलीफ के अनुसार बता रहा हूँ, तो प्लीज आप ये नोट करिएगा। तो ऑप्शन सेलिंग जो है वो, उसको ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं। तो हमेशा उसकी एज होती है। आप फेस टू फेस सीरीज के बहुत सारे पहले वीडियो आपने देखे होंगे तो शब्द का ये बोलना है कि उसमें 75% से भी ज्यादा जो ऑप्शंस होते हैं वो वॉइसलेस होते हैं, मीन्स वो जीरो ही एक्सपायर होते हैं। इसमें आपका जो मार्जिन है वो थोड़ा ज्यादा चलता है। अब इसमें थियोरिटिकली अनलिमिटेड लॉस होता है। अब ये जो है, जो भी एक्सपर्ट जो होते हैं, जो मार्केट के बड़े प्लेयर होता है, उन्होंने ऐसा बना दिया है कि रिटेल प्लेयर को ये लगता है कि भाई इसमें तो अनलिमिटेड लॉस है, ये हमें करना ही नहीं है। ओके, और रिस्क का, और देर इज अ रिस्क ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। तो बैंक निफ्टी में मैं मंथली एक्सपायरी नहीं करता हूँ, वीकली एक्सपायरी में ही जाता हूँ। और टाइम इज मनी, तो मैं जो भी मार्केट में टाइम दे रहा हूँ तो उसमें इतना मिलना ही चाहिए। अदरवाइज मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा और उसके सामने मेरा जो बेसिक जो बिजनेस है, मेरा जो बेसिक जो प्रोफेशन है उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो वो नहीं चलेगा। तो टाइम डिले जो थीटा जो होता है वो हमारा फ्रेंड है, और वही एक ऐसा है कि जो हमेशा धीरे धीरे वो डिके होता रहता है। अब ज्यादातर यही मानना होता है कि जैसे ऑप्शन जो होता है उसमें टाइम डिले जो होता है वो टाइम डिके ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो दूसरे जो ग्रीक्स होते हैं, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, वो भी डिके होते हैं। तो एक्चुअली इट्स अ ग्रीक डिके स्ट्रेटेजी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो रहती है उसमें रिस्क रहता है, तो उसमें हेजिंग करके जो अनलिमिटेड लॉस होता है उसको हम जो है मिटिगेट कर देते हैं। और दूसरा, हम स्टॉप लॉस भी उसमें प्रोवाइड करते हैं। नए जो मार्जिन रूल्स आए हैं उसमें जब भी हम पोजीशन को हैज करते हैं तो उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाता है। इंट्राडे की वजह से गैप अप और गैप डाउन का कोई सवाल नहीं रहता है। और एक्सलेंट थीटा डिके जो होता है वो मार्केट के आर्स में भी होता रहता है। सो टाइम डिके जो रहता है वो जो करंट वीक की एक्सपायरी होती है उसमें फास्ट होता है। तो जनरली मैं जो करंट वीक की एक्सपायरी है उसमें ही ट्रेड करता हूँ। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल जो होता है, जैसे आप जानते ही होंगे, तो स्ट्रेडल जो है वो एक्सपर्ट और जो फुल टाइम करते हैं उनके लिए काम रहता है। स्ट्रेंगल जो है वो पार्ट टाइम के लिए वो बेस्ट रहता है। अभी जो मार्जिन के जो रूल्स चेंज हुए तो उसमें आयरन कॉन्डोर जो होता है वो बढ़िया रहता है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है वो
जी, कंटिन्यू ओके कंटिन्यू सर, मैं ओके हूँ। ओके सर। सो चलो अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी के लिए। तो वीकली बैंक निफ्टी नहीं, ऑप्शन इसके से पहले ओके वाला स्लाइड सर, 1 मिनट, आयरन कॉन्डोर वहां पर अटक गया। ओके हाँ, ओके प्लीज ओके। बोल तो लीजिए। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी जो है, जो अभी मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मार्जिन रूल्स के हिसाब से जो डीप ओटीएम ऑप्शन जो होते हैं उसको मैं बाय करता हूँ। पहले मैं स्ट्रेंगल यूज करता था, लेकिन अभी जो है वो डीप ओटीएम बाय करके वो अभी आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट हो गए, और ये बहुत ही कंजर्वेटिव है। तो आप देखिए कि आयरन कॉन्डोर यूज कर रहे हैं, वो भी इंट्राडे में यूज कर रहे हैं, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ यूज कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिपल अच्छा प्रोटेक्शन है वो हम दे रहे हैं, जैसे कोरोना में भी बोलते हैं कि आपने वैक्सीन भी लगवा लिया, मास्क भी पहन लिया और रेगुलर सैनिटाइज करते, तो उसमें आपका चांसेस कम रहते होने का, ऐसे ये ट्रिपल प्रोटेक्शन हमने बना लिया है। तो मेरा ये मानना है कि जो प्राइज होती है दैट इज गॉड, भाव भगवान छे जो गुजराती में हम बोलते हैं। तो मेरा जो है मेन कंसर्न प्राइज ही रहता है, उसमें जो भी ग्रीक्स होते हैं वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। तो मैं ग्रीक्स जो होता है ट्रेडिंग के टाइम पे उसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ। रूल्स जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी है, आपको डिसिप्लिन जो है वो रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि और जो भी आप रूल्स बनाते हो, जो प्लान बनाते हो, उसमें कॉन्स्टेंट आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसको मैं 2020 स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। ये स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो 9:15 के अराउंड आपको बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है उसको ओपन कर देना है, और आपको ऐसी स्ट्राइक ढूंढनी है कि जिसकी जो वैल्यू है, जिसका प्राइस है वो 20 के अराउंड है, वो 20 भी होगा या उसके एक दो ऊपर नीचे जो रहते हैं उसको आपको ढूंढ के आपको वॉच लिस्ट में उसको ऐड कर देना है। और दूसरी जो स्ट्राइक प्राइस जो रहती है उसकी जो वैल्यू 4 से 5 होती है वो आपको उसमें ऐड कर देनी है। कई कई ब्रोकर्स जो है वो डायरेक्ट आपको ऑप्शन चेन में से भी ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देते हो, तो वो भी आप कर हाँ सकते हैं। मेरे, तो आप सबसे बोल रहे हैं पहला कि आप, 20 रुपए का प्रीमियम, 20 रुपए हाँ, का 20 रुपये प्रीमियम का और प्रीमियम, 7.5 रुपए प्रीमियम। ओके, तो ओके। तो फिर से ये बोलूँ दोनों सर? आउट ठीक, ऑफ द मनी ना? हाँ, दोनों आउट ऑफ द मनी। ठीक। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.